हेलो फ्रेंड्स वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कैसे हैं आप लोग आई होप आप सब अच्छे हो सो गाइस आज मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ दिस ब्यूटीफुल न्यूड मेकअप लुक आपको कह सकते हैं नो मेकअप लुक मैंने क्रिएट किया एंड यू कैन सी कितना नेचुरल लग रहा है बिल्कुल भी केक ही नहीं लग रहा है एंड मैंने ना बहुत ही लेस प्रोडक्ट्स के साथ ये मेकअप लुक क्रिएट किया आप है आप लोग देख सकते हैं मैंने बहुत ही कम प्रोडक्ट्स लिए हैं आपको जितने दिख रहे हैं ना बास्केट में बस मैंने इतने ही प्रोडक्ट्स को यूज़ किया है सो चलिए फटाफट से मेकअप स्टार्ट करते हैं so, सो सबसे पहले मैंने अपने फेस को कर लिया है वॉश एंड अब मैं अपना स्किन केयर कर रही हूँ क्योंकि मेकअप से पहले स्किन केयर करना बहुत जरूरी है तो मैं यहाँ पर अप्लाई कर रही हूँ टोनर टोनर अप्लाई करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है इससे हमारे फेस का पीएच बैलेंस मेंटेन रहता है एंड मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ गुड वाइब्स का पॉमी टोनर एंड इसको अप्लाई करने के बाद मैंने इसको नेचुरली ड्राई होने दिया देन मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ सीटा फिल का मॉइस्चराइजर एंड विंटर्स का सीजन है तो मॉइस्चराइजर यूज़ करना तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड गैस आपको मेरा फेस काफ़ी ज़्यादा ब्लैक लग रहा होगा वो इस रीज़न से क्योंकि मैंने सनलाइट पे शूट किया था एंड सनस्क्रीम लगाना मैं भूल गई थी सो so, गैस प्लीज़ सनस्क्रीम ज़रूर लगाया करिए क्योंकि टैन बहुत ज़्यादा हो जाती है तो मॉइस्चराइजर हमने अप्लाई कर लिया अब मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ गुड वाइब्स का एलोवेरा जेल एज अ प्राइमर आप चाहें तो एलोवेरा जेल भी एज अ प्राइमर की तरह यूज़ कर सकते हैं एंड अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप इसे एज अ मॉइस्चराइजर भी यूज़ कर सकती हैं एलोवेरा जेल बहुत ही यूज़फुल है हमारी स्किन के लिए फिर वो चाहे ड्राई स्किन के लिए हो या फिर ऑयली स्किन के लिए हो तो मैंने प्राइमर लगा लिया है एंड अब मैं अप्लाई करूंगी पर्पल का कंसीलर तो इससे मैं अपने डार्क सर्कल्स को और पिगमेंटेशन को हाइड कर लूँगी सो गाइज आप अपनी फेस की नीड के हिसाब से प्रोडक्ट्स कम या ज़्यादा कर सकते हैं डा लाइक मेरे फेस पे काफ़ी ज़्यादा डार्क सर्कल्स है इसलिए मैं कंसीलर अप्लाई करती हूँ अगर आपकी डार्क सर्कल्स नहीं हैं तो आप कोई भी कंसीलर अप्लाई एंड अपने फेस पे उसको अप्लाई करने के बाद अच्छे से मेकअप कर सकते हैं सो so, मुझे पिगमेंटेशन हो गई इसलिए मैंने ऑरेंज कलर करेक्टर को यूज किया है अगर आपके पिम्पल्स है तो आप ग्रीन कलर का यूज़ करिए सो अप्लाई करने के बाद मैं इसको ब्रश कर दूंगी ब्लैंड अच्छे से दोनों ही आइज पे अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी लाइक बहुत ही सॉफ्ट सॉफ्ट ब्लेंड करना है एंड उसके बाद मैं यहाँ पर येलो कंसीलर भी ऐड कर रही हूँ उसको अपनी डार्क सर्कल्स पर एंड पिगमेंटेशन पे अप्लाई करूँगी बहुत ही लाइट लाइट मैंने अप्लाई किया क्योंकि इसके बाद जस्ट कंसीलर से मैं अपना पूरा फेस का मेकअप करूँगी सो so ब्लेंड करने के लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ फ्लैट ब्लेंडिंग ब्रश आप चाहें तो ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से भी ब्लेंड कर सकती हैं बहुत ही अच्छे से ब्लेंड करना है एंड गाइस जब मैं ये वीडियो शूट कर रही थी ना तो शाम के साढ़े चार बजे थे एंड आप लोग तो जानते हैं विंटर्स में कितनी जल्दी अंधेरा हो जाता है एंड मैं ये वीडियो शूट करी थी नेचुरल लाइट में ही इस वजह से मेरा फेस और ज़्यादा ब्लैक लग रहा था लाइटिंग का थोड़ा सा इशू आ रहा था देन मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ मेब्लिन फिटमी का इरेजर कंसीलर एंड इसी से अपने पूरे फेस का मेकअप करूंगी सो so, इसको मैंने अपने डार्क सर्कल्स पे एंड पूरे फेस पे इस तरह से अप्लाई करूंगी लाइक दिस एंड इसका शेड ना कभी मेरे फेस से बिल्कुल परफेक्ट मैच करता है एंड कभी मेरे फेस से काफ़ी ज़्यादा डार्क लगता है लाइक like, इस टाइम पे मेरे फेस पे काफ़ी ज़्यादा टैन हो रही है तो ये मेरे फेस पे परफेक्ट मैच कर रहा है एंड जब मेरे फेस काफ़ी ज़्यादा क्लीन होता है एंड टैनिंग नहीं होती तभी मेरे फेस पर थोड़ा सा डार्क लगता है इसका शेड तो मैं इसको जल्दी चेंज करूँगी कोई नया शेड अप्लाई करूँगी अपने फेस पर एंड गैस मैं आपके साथ अपना मेकअप कलेक्शन भी शेयर करूँगी तो अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि मेरी वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। सो so, हमारा कंसीलर भी अच्छे से ब्लेंड हो चुका है यू कैन सी तो मैं इसको सेट कर लेती हूँ कॉम्पैक्ट से कॉम्पैक्ट के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ फेसेस कनाडा का कॉम्पैक्ट तो इससे मैं अपना पूरे मेकअप को सेट कर लूँगी कंसीलर से अप्लाई किया एंड ये कंसीलर ना मुझे इसलिए ज़्यादा पसंद आता है क्योंकि इतना स्मूथ ब्लैंड हो जाता है काफ़ी अच्छे से बिल्कुल भी केक ही नहीं लगता है सो so, इसको ब्लेंड करने के बाद मैंने इसको कर लिया है सेट कॉम्पैक्ट से देन मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ एलेगढ़ का कॉन्टोर पहले एंड इसको कॉन्ट्रोल कर लूँगी लाइक like अपने चीक्स में एंड जॉ लाइन पे सो so कॉन्ट्रोल करने से ना हमारे फेस का स्ट्रक्चर अच्छे से दिखने लगता है एंड फेस काफ़ी चबी चबी नहीं लगता है सो so मैंने इसको लाइट लाइट नोज पे भी कॉन्ट्रोल कर लिया है एंड गाइज मैं इसी कॉन्टोर पैलेट से अपना आई मेकअप भी करूँगी सो so मैंने फ्लफी ब्रश की हेल्प से कॉन्टोर ले लिया है एंड उसी शेड को मैं अपनी आईलेट्स पे इस तरह से अप्लाई करूँगी तो ये काफ़ी ना नेचुरल लगेगी एंड उसी ब्रश की हेल्प से लोअर लैश लाइन पे भी अप्लाई कर लूँगी तो मेकअप भी लगेगा एंड काफ़ी ज़्यादा नेचुरल भी लगेगा तो आप लोग को ये नो मेकअप मेकअप लुक कैसा लग रहा है प्लीज़ मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताएगा देन मैं अपनी आई को कर लूँगी कर्ल सो कर्लर मैंने यहाँ पर यूज़ किया अपनी आईलैश को कर्ल करने के लिए एंड गाइज अब मैं अप्लाई करूँगी मशकारा सो मशा के लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ फेसेस कनेडा का मशकारा एंड इसको अप्लाई कर रही हूँ सो so, ये है, है हैक नंबर वन आपको इस वीडियो में एक नहीं तीन तीन हैक देखने को मिलेंगे सो so, हैक नंबर वन इज़ कि अगर आप अपना मशकरा अप्लाई करते बट फिर भी ना वो वो लुक नहीं देता है आई लेश में मशकरा अच्छे से अप्लाई नहीं होता तो आप क्या करिए कोई भी लूज पाउडर लीजिए एंड उस पर इस तरह से डिप करिए मशकारा ब्रश को एंड उसके बाद आप मशकारा इस तरह से टू से थ्री बार इस तरह से करिए देन उसको अप्लाई करिए सो आप दोनों ही आइज में फ़र्क देख सकते हैं मैंने इसमें ना काफ़ी अच्छे से अप्लाई किया क्योंकि इसमें अच्छे से मशकारा आया है एंड उसमें ना मशकारा एकदम से नहीं आ पाता आप देख सकते हैं दोनों ही आइज में कितना ज़्यादा फर्क दिख रहा है एंड आई लाइक दिस हैक मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया सो so, इसी तरह से मैं अपनी दूसरी आईलेश पे भी अप्लाई कर लूँगी लाइक दिस सो दोनों ही आईलेश मैं अप्लाई कर लिया है देन हैक नंबर टू सो मैंने उसी ब्रश की हेल्प से अपनी आईब्रोज पे भी इस तरह से अप्लाई किया बहुत ही लाइट लाइट एंड कॉन्टोर पैलेट से मैंने ये शेड को पिक किया है डार्क ब्राउन शेड को एंड उससे अपनी आईब्रोज को फिल कर रही हूँ सो so, देखा ना अगर आपके पास आईब्रो पैलेट भी नहीं है तो आप इस तरह से अपनी आईब्रोज को फिल कर सकती है मशा लगाया बहुत ही लाइट लाइट लगाना है एंड उसके बाद फिर कॉन्टोर पैलेट से इस तरह से फिल कर लिया सो लाइक दिस आप देख सकते हैं आईब्रोज हमारी फिल हो चुकी है एंड अब मैं यहाँ पर अप्लाई कर रही हूं मेबलिन की लिपस्टिक एंड इस टाइम पे ना ये शेड मुझे काफी ज्यादा प्यारा लग रहा है सो so ये है हैक नंबर थ्री अब मैं यहाँ पर अप्लाई कर रही हूँ डार्क लिपस्टिक आपको लग रहा होगा नो मेकअप मेकअप लुक है सो ये डार्क लिपस्टिक क्यों अप्लाई कर रही है लाइक like मैं ना आपको बता रही हूँ कि आप कैसे अपने लिप्स को ओमरी लिप्स बना सकते हैं तो मैंने यहाँ पर यूज़ किया है मे बीन का कंसीलर सो इसको बहुत ही लाइट लाइट अप्लाई किया है देन ब्रश की हेल्प से इसको ब्लेंड कर रही हूँ एंड अगर आप ब्रश की हेल्प से नहीं ब्लेंड कर पा रहे तो आप अपनी फिंगर की हेल्प से भी इसे ब्लेंड कर सकते हैं तो पहले मैंने ब्रश की हेल्प से ब्लेंड किया देन मैंने फिंगर की हेल्प से ब्लेंड किया एंड यू कैन सी दिस हैक इज़ वर्क लिप्स काफी ऑमरी लग रहे ना सो ये वाला हैक कैसा लगा कॉमेंट में जरूर बताएगा एंड गैस अब मैं उसी लिपस्टिक की हेल्प से ब्लश अप्लाई करूंगी अब लेस प्रोडक्ट्स यूज करें तो अलग से ब्लश नहीं लेंगे सो so, मैंने इसको ना फिंगर की हेल्प से इस तरह से अप्लाई किया है देन फिंगर की हेल्प से ही मैं इसको ब्लेंड कर लूंगी सो so, दोनों ही साइड में मैंने इस तरह से अप्लाई किया है एंड अब इसको ब्लेंड कर रही हूँ सो so, हमारा ब्लश भी लग गया है एंड काफ़ी नेचुरल ब्लश लग रहा है यू कैन सी काफ़ी अच्छा मेकअप लग रहा है ना कैसा लग रहा है कॉमेंट में जरूर बताइएगा तो so, अब मैं इसे सेट कर लेती हूँ सेटिंग स्प्रे से सो so, मैंने यहाँ पर यूज किया है इनसाइड का मेकअप फिक्सिंग स्प्रे एंड इसको नेचुरली ड्राई होने दूंगी इस तरह से सो माय मेकअप इज डन आप चाहे तो इसे किसी भी पार्टी फंक्शन में यूज कर सकती नो मेकअप मेकअप लुक है बहुत ही अच्छा है क्रिएट कर सकती है एंड अगर आप ना इस टाइम शादी सीजन कितना ज़्यादा है तो छोटे मोटे फंक्शन होते ही रहते हैं घर पर और आप इस तरह से मेकअप कर सकती है बहुत ही अच्छा है मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया है आई होप आपको पसंद आया हो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कॉमेंट शेयर जरूर करिएगा चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट से कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि मेरी वीडियोज़ के सारे नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो जरूर करिएगा इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड गायज सभी प्रोडक्ट्स की डिटेल्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी सो so, आप वहाँ पर जाकर जरूर चेकआउट करिएगा एंड गाइस आपको मेरे चैनल पे काफी सारे मेकअप वीडियोस मिल जाएंगे सो so, आप लोग प्लीज़ जाकर ज़रूर चेकआउट करिएगा एंड मैंने आपको जितने भी प्रोडक्ट्स बताए थे ना बस उन्हीं प्रोडक्ट्स के साथ मेकअप वीडियो किया था सो आई होप आपको पसंद आया हो तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू फॉर वॉचिंग